रूह अफ़ज़ा मैगी, ये ऐसी चीज कोई कैसे, ये रूह अफ़ज़ा मैगी कम फ्राइड राइस ज्यादा लगा। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य गोपाल होता और आज एक और मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है आई ट्राइड द वेयरडेस्ट इंस्टाग्राम फूड हैक बिग मिस्टेक। तो इंसान की तरह से फाइनली एक और नया वीडियो है कि इस बार ये इंस्टाग्राम के जो फूड हैक्स हैं उसको ये ट्राई किया जो बहुत अजीब से वेयर वाले टाइप है और बहुत बड़ी गलती होगी। ट्रिगर्ड बाई से देखते हैं कौन सी कितनी बड़ी गलती और क्यों होती है, देखते हैं और किस टाइप के इंस्टाग्राम में फूड हैक्स होते हैं देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं हो तो पूरा रिएक्शन हो देखना। अगर ट्रिगर्ड इंसान के बहुत बड़े फ़ैन हो और इसके रोस्ट वीडियोस और रिएक्शन देखना पसंद है और ट्रिगर्ड भाई के ऊपर ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर रिएक्शन वीडियो वगैरह देखना पसंद है मेरे चैनल पे नहीं हो तो पहले मेरा पूरा रिएक्शन वीडियो देखें, ठीक है। पहले साथ में वीडियो देखते हैं कि मैं इसका वीडियो देखता हूँ तो मेरा रिएक्शन देखना, फिर मैं बताता हूँ मुझे वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो स्टार्ट बन ला, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं किसी तरीके, लेट्स गो। सदियों से मनुष्य फूड भोजन खाने के लिए संघर्ष करता आ रहा है। एक वक्त था जब हमारे पूर्वजों को कई सैकड़ों मील चलना पड़ता था सिर्फ खाना नसीब कर पाने के लिए, क्योंकि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ स्वाद का भी आनंद प्रदान करता है। विभिन्न रसों आकारों की एक अद्वितीय मिश्रण, क्या लिखा हुआ है यार, ये चैट जीपीटी से टेप रहा था बट ये कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गई। बट ऑन अ सीरियस नोट, फूड इज लिटरली द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। आई मीन वॉर हो जाती है यार खाने के लिए, लेकिन आजकल के फूड व्लॉगर्स ने खाने की भी मार ली। आइसक्रीम, समोसा, पेस्ट्री, पकौड़ा, पिज्जा, चॉकलेट, क्या मिलता है फूड ब्लॉगर्स को ऐसी ऐसी चीजें कर करके। लेकिन उससे पहले एक मेन क्वेश्चन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस मजे लेने आया था। अच्छा, कॉमेडी फैक्टर, और आप किस लिए हो यहाँ पे? ब्यूटी फैक्टर, व्यूज के लिए। तो क्या मिलता है फूड ब्लॉगर्स को ऐसे अजीब अजीब से खाने बना के? क्या मतलब कोई सच में ऐसे खाने एक्चुअली में खाता है? इस इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब जानने के लिए हम एक्चुअली में एक फूड ब्लॉगर को उठा कर लेकर आए हैं। और आज आप टेस्ट नहीं करोगे, आप बनाओगे। मैं खुद भी बनाऊंगा, लेकिन मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्यों? यही तो आपको डिस्कवर करना है। तो इस सवाल का जानिए जवाब। इतनी ओवर एक्टिंग। सबसे पहली डिश जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है चाय मैगी। और ये सेकंड हैंड कोली भाई जो हैं, ओएलएक्स वाले कोली भाई, ये चाय मैगी बना के दिखा रहे हैं हमें। दिस इज नॉट चाय अलग मैगी अलग, चाय के अंदर ही मैगी बना रहे हैं भाई। क्यों ट्राई कर सकते हो आप? वाई, बाकी अगर हाय, तो चलिए भाई बनाते हैं चाय मैगी। लेकिन उसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि चाय बनाते कैसे हैं। भाई साहब आइए, सेम क्वेश्चन, चाय बनाते कैसे? चाय का दुकान खोलने का सपने देख रहा हूं और मुझे ही चाय बनाना नहीं आते। चाय कैसे बनती है? चाय तो नहीं आती। तुम हो किस लिए? आप आइए, ब्यूटी फैक्टर, चाय कैसे बनती है? मैं सिर्फ ब्यूटी एलिमेंट लिए थी, खाना वाना नहीं बना रही। अबे यार क्या आप तुम लोग एकदम नल्ले, मेरे को आती है चाय बनानी। देखिए सबसे पहले चाय पत्ती डालिए, अरे चार चम्मच, चार चम्मच, फिर उसके बाद पानी डालिए। आई थिंक यू आर राइट, बट अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो हो गया जो हो रहा है। और दूध? यस, दूध ऑल्सो, दूध ऑल्सो। मेरी मम्मी ये देख के बहुत दुखी होने वाली है और मेरे पापा तो कसम से ये देख के मेरे को घर से निकाल दें शायद, बेचारे पूरे दिन चाय पीते रहते हैं। थोड़ी चीनी भी डाल लेते हैं। A few minutes later. तो चाय ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे के बाद हमारी हो गई है तैयार, अच्छी लग रही है। तो हादसा हो गया ऑन सेट, कोई नहीं कंटिन्यू। तो अब मैगी बनाने का वक्त है। तोड़ के? नहीं नहीं, ऐसे पूरी लंबी लंबी पतली पतली मैगी। मेरे को मैगी बनाना मत सिखाना, मेरे को आती है। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। तो अब गाइस बस वेट करेंगे कि मैगी जो है वो थोड़ी सी उबल जाए और फिर मैगी को मिक्स करेंगे चाय में और बनाएंगे हम हमारा इनसेन कॉन्कॉक्शन चाय मैगी। चाय के साथ मसाला अच्छा लगेगा, एक्चुअली डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, देखी जाएगी। चाय मसाला मैगी लाओ, थोड़ी सी मिर्ची भी लाओ। आपको किस लिए रखा है वीडियो में, है किस लिए रखा है, एक काम तो कर लो। बहुत बुरी स्मेल है, ऐसे खाएगा कौन? आप ऑल राइट गाइस, तो हमारी मैगी चाय हो गई है तैयार। एक्चुअली ये मैगी चाय नहीं लग रही है, मैंने एक चीज सोची, मैगी में मसाला था और चाय में चीनी, बनाया क्या है हमने? खिचड़ी। मैगी फलूदा बनाया है। रुको रुको रुको, प्लेटिंग तो करने दो भाई, हटो हटो हटो, ये आता है आपको? हटो, हटो। चलो कुछ तो आता है।
ओह माय गॉड, वाओ, मास्टर शेफ चल रहा है क्या? मिशेलिन स्टार, ओके। अच्छा अच्छा, इतनी प्रोफेशनल प्लेटिंग। अरे दे दे भाई, ऐसा फाइव स्टार डिश थोड़ी ना है, कोई मैगी चाय है। चाय मैगी। ये मैं ले लेता हूँ, आप वहां चले जाइए। I am so sorry guys. This is the worst thing जो मैंने अपनी जिंदगी में खाई है और मैं कभी नहीं ये खाना चाहूंगा। मुझे नहीं पता डुप्लीकेट कोहली भाई ने ये डिश बनाने का सोच भी कैसे लिया। प्लीज आई इंसिस्ट, कभी कोई ये डिश ट्राई मत करना, कभी भी। मतलब तुम्हारे घर में अगर आखिरी चीज बची हो ना, इस दुनिया में आखिरी चीज बची हो, खा के देखो ना। एक बाइट यार, एक बाइट तो ले लो, कोई तो ले लो। ये जो टॉर्चर है सिर्फ मैं अकेले क्यों सहूं, कोई एक तो खाओ यार। एक बाइट मेरे लिए नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्या ये चीज वाहियात सिर्फ मुझे ही लगी है या सच में। खत्म। अब आप कैसे रहोगे, आज सिर्फ ब्यूटी फैक्टर के लिए थोड़ी ना, एक बाइट तो बनती है। ना ना, एक बाइट खानी पड़ेगी। पहली डिश इज अ बिग 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 बिग, इतना बड़ा थम्स डाउन। इट इज माइनस 100 out of 10। इतनी बुरी है ये, बाय गॉड। अगली बार कोई ऐसा गेस्ट आएगा ना आपके घर जो आपको पसंद नहीं होगा, उसको चाय मैगी दे देना। आप चाय लेंगे, मैगी लेंगे? हाँ ये ले, दोनों साथ में ले। इफ यू थिंक द लास्ट डिश वॉज बैड, दिस नेक्स्ट वन इज इट्स डैड। ये है पेस्ट्री पकौड़ा। क्या बात है, पेस्ट्री को पकौड़े में डिप कराया। पेस्ट्री पकौड़ा नहीं बिल्कुल। आप इतना शर्मा क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मुझे कैमरे के आगे खड़ा कर दिया। आपको सिर्फ 7-8 million लोग ही तो देख रहे हैं। क्या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डायलॉग बोला नहीं जा रहा तुमसे? फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कट कर देना। क्या कर रहे हो, कोई लाइन है बोलो, लोगों को हंसाओ, एंटरटेन करो, तो कोई फॉलो भी करे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मुझे यहाँ पे रोस्ट होने के लिए बुलाया है अपने मैनेजर को, अपनी वीडियो में बुला के खुद रोस्ट करते हैं हम। ये हो क्या रहा है, ये तो पेस्ट्री अंदर बह रही है पूरी, लीक हो गई। ये वाली थोड़ी सॉफ्ट सी थी पेस्ट्री, पूरी वो हो गई, कमजोर होती जा रही है। डिसइंटीग्रेट, देख रहे हो पढ़ने लिखने का फायदा होता है, डिसइंटीग्रेट हो गई पूरी पेस्ट्री। ओहो, पेस्ट्री पकोड़ा तैयार है, कोई खाने में इंटरेस्टेड है? यस यस वेरी मच। पहले मैं खाऊंगा। ओ भाई, एक ही बार पूरा। एक्चुअली टेस्टी है यार भाई, मजाक से हटके जेन्युइनली बहुत टेस्टी है। अच्छा है ना, क्योंकि पेस्ट्री अंदर की जो थी वो बहुत टेस्टी थी, तो ऐसा लग रहा है ब्राउनी खा रहा हूँ मैं, तो ये सच में टेस्टी है। चोकोलावा केक टाइप। हाँ, दिस गेट्स लाइक 7 out of 10, बहुत अच्छा, वेरी टेस्टी। ये कैसे अच्छा लगा भाई, सच में जेन्युइनली एक बार ट्राई करो। ये खुद शेफ साहब हैं यार, सच में अच्छा है। एक्चुअली ये अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें बेसन का सच कोई टेस्ट पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पेस्ट्री बहुत अच्छी है, अंदर इतना ऑयल आया नहीं है ना। या तो मैं बन सकता हूँ प्रोफेशनल फूड रिव्यूअर, थैंक्स। मैंने पता है तू फैन सलमान खान, क्या लाए हो भैया? रूह अफ़ज़ा मैगी। यस, तो हमारा नेक्स्ट फूड हैक जो हम ट्राई कर रहे थे वो था रूह अफ़ज़ा मैगी। एज इफ चाय मैगी इतना बुरा नहीं था कि उसके ऊपर अब रूह अफ़ज़ा मैगी। ये ऐसी चीज कोई कैसे, ये रूह अफ़ज़ा मैगी कम फ्राइड राइस ज्यादा लग रहा है, शेज़वान फ्राइड राइस खा सकता है भाई। अबे चाय मैगी एटलीस्ट दिखने में तो अच्छी थी, गार्निश भी करेंगे। भैया कमी थी क्या? आए मेरे वैसे ही पेट में जो है गुड़गुड़ शुरू हो चुकी है पिछली इतनी अजीब अजीब सी डिशेस खा के। अब इसको खाने के बाद अगर मैं जिंदा नहीं बचा। ये तो स्मेल भी इतना घटिया कर। ऑनेस्टली चाय मैगी की खुशबू बुरी नहीं थी, पर ये इसकी तो स्मेल भी बहुत बुरी है। तो नहीं लग रही ना आपको? Nope. मेरे को रिएक्शन से लगा आप ऐसा बोलोगे कि अरे वाह ये तो अच्छी है। अच्छी नहीं है बट इतनी खराब भी नहीं है, जैसे चाय मैगी जो थी वो तो बहुत ही खराब। इट वॉज अ ट्रैवेस्टी और इस वर्ड का मेरे को मतलब भी नहीं पता। दिस इज लाइक ओके, मतलब अगर तुम्हें मीठी मैगी पसंद है, दिस इज लाइक 4। अगर तुम्हें मीठी मीठी चीजें पसंद है, मीठी मैगी पसंद है, तो तुम ये खा सकते हो, इतनी बुरी नहीं है, बट स्मेल बहुत बुरी है इसकी। आप भी एक टेस्ट करो। अरे एक टेस्ट यार, एक टेस्ट। अरे क्यों वीडियो में यार, खा के देखो, खा के देखो
यार आपने खुद बनाई है, आप खुद खाओ यार। ये लो भैया, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, जल्दी यहाँ पर फोकस करो। रिव्यू क्या है आपका, आपने बनाई है, कैसा लग रहा है आपको? कभी मत बनाना ये तो। हाँ, दिल पिच तेरे लीटे। ऐसा नहीं लग रहा किसी का दिमाग है, गिर रहा है। हाँ मेरा दिमाग है ना, गिर रहा है खाने के बाद। तो इस अगली डिश के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये है मेरा पर्सनल फेवरेट डोसा। लेकिन दिस इज नॉट जस्ट अ डोसा, दिस इज फ्रूट डोसा, जिसके अंदर है एप्पल, ग्रेप, हनी, फ्रूट क्रीम और डोसे पे चॉकलेट सिरप कौन डालता है यार? व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? चले गए कुछ बोले बिना। अभी तक तो मैं काफी एक्साइटेड था क्योंकि डोसा दिख रहा था, लेकिन अभी ये पता नहीं कौन सा चॉकलेट सिरप फ्रूट डोसा। हे भगवान, मैंने जितने पाप करे उनके लिए मेरे को क्षमा करे। मैं समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि डोसा अच्छा है, उसमें अंदर के फ्रूट्स भी इतने बुरे नहीं लग रहे, लेकिन जो एंड में ये चॉकलेट सिरप डाल के गया ना, उसकी वजह से जो वो मीठापन आ रहा है वो सब कुछ खराब कर रहा है। चॉकलेट सिरप क्यों डाला यार, इतना टेस्टी लग रहा था। डोसे में एप्पल का फ्लेवर अच्छा लगेगा ये कभी नहीं सोचा था मैंने। आइए देखो, ये डोसे के अंदर एप्पल, पनीर, फ्रूट क्रीम सब कुछ है, बस जो ऊपर चॉकलेट सिरप डाला ना वो बड़ा बेकार कर दिया। सही है, बुरा नहीं है। A few minutes later. अब बुरा लगा ना? Exactly. रसिया आजा, होले होले रस बरसा जा। चॉकलेट सिरप है, फ्रूट्स है। कसम से 4 दिन तक अब टॉयलेट से नहीं उठने वाला, पेट में जो ऐसे अतरंगी मिक्सचर्स बन गए हैं ना मेरे, मैगी विद रू अफजा, चॉकलेट वाला पकोड़ा, पता नहीं क्या क्या खाया भाई आज, बट फाइनली शेफ ने जो है थोड़ा सा रहम कर दिया मेरे पे। तो अब हमें मिला है समोसा, वो भी आलू की सब्जी के साथ। समोसा आइसक्रीम के साथ, कोई खाना चाहता है? इंटरेस्टेड है? नहीं। साले सबको देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बटर स्कॉच आइसक्रीम मेरी फेवरेट है और समोसा भी इतना पसंद है, बट ये क्या बोला? बटर स्कॉच आइसक्रीम मेरी इंटरेस्टेड है? नहीं। साले सबको देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बटर स्कॉच आइसक्रीम मेरी फेवरेट है और समोसा भी इतना पसंद है, बड़ी कर रहे हैं। बटर स्कॉच आइसक्रीम मेरी फेवरेट है और समोसा भी इतना पसंद है, बट ये कसम से पेट में बवंडर आ गया। बवंडर रोड का मतलब पता है तुम्हें? ऐसा पेट में जब अजीब अजीब से ना सुनामी आ रही होती है, बस वही हो रहा है मेरे साथ। ये तुम देख सकते हो क्या क्या अजीब अजीब सी चीजें खाई हैं। कुछ बचा है? अच्छा बच होती है, बस वही हो रहा है मेरे साथ। ये तुम देख नो फूड वॉज वेस्टेड द क्रू देख सकते हो क्या क्या अजीब अजीब सी चीजें खाई हैं। कुछ बचा है? अच्छा बचा है, मैगी लाए हैं भाई, वो भी कच्ची। तो हमारी आज की आखिरी डिश थी मैगी आइसक्रीम सैंडविच। समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं इसके बारे में, क्योंकि इतने अजीब अजीब से मिश्रण है ना पेट के अंदर कि ये अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे कच्ची मैगी खाना वैसे बहुत ज्यादा पसंद है। लुट गया। बट टू बी ऑनेस्ट, सच में पेट में दर्द हो रही है मेरे। एंड में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे ये वियर्ड फूड कॉम्बोज जो है ना, ये इंस्टाग्राम रीलों में, शॉर्ट्स में ही सही लगते हैं, बट जो खाना जिसके साथ खाने के लिए बना है उसी के साथ खाना ही ठीक है। ये फालतू के कॉम्बोज ट्राई करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक इट, एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू अमन भैया एंड स्पून्स ऑफ दिल्ली, जिन्होंने हमें ये ऊटपटांग रेसिपीज बनाने में हेल्प करी। डू चेक आउट देयर इंस्टाग्राम पेज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो भाई फाइनली वीडियो खत्म। वीडियो कैसा है, लेकिन एक बात बोलना, एक छोटी मोटी सी बुरी खबर, मैं थोड़ा सा बीमार हो गया। राजू भाई को हो गया जुकाम या राजा भाई, और थोड़ा खांसी वगैरह, गला सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है, अंकल जी पानी पिला दीजिए। सीरियसली कल से हो रहा है, मतलब अभी ठंड आ रही है ना धीरे धीरे, इसलिए मेरे को थोड़ा ठंड लग गया, तो सर्दी चढ़ गई है मेरे को, सर्दी चढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं बनाऊँ। हाँ, ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा दवाइयाँ लिया, वैसे कुछ स्टीम वगैरह किया, फिर मम्मी ने अच्छा खासा एक मस्त हल्दी वाला दूध बनाया मसाला करके, तो पी के थोड़ा बेटर तो फील हो रहा है भाई साहब। फिर मैं सोचा ट्रिगर्ड इंसान पे पूछ ले, तो यही काम है क्या पूरे दिन, मतलब हर रोज़ रिएक्शन वीडियो के लिए पोल डाल के पूछता रहूँ, तो सोचा पहले ट्रिगर इंसान पे बना लेता हूँ। और एक बात बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच यार, कि खांसी है ठीक है, माफ़ कर देना, ये सीन कट नहीं कर सकता, एडिटिंग में मेरे को बहुत आलसपन आता है, इसलिए
और ये है कि भाई साहब कि कल थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए, तुम लोगों की वजह से रिस्पांस आया, पता नहीं क्या है, बट यार जिन्होंने भी मेरे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और 1000 व्यूज़ आ गए फाइनली, काफ़ी टाइम के बाद कोई मेरी वीडियो में थोड़ा अच्छे खासे व्यूज़ आए यार भाई साहब, थोड़ा इनकम भी थोड़ा बेटर होता है, ठीक था 11 रुपये में क्या होता है यार सीरियसली, बट अच्छा लगा कि लोगों को मेरा वो फुकरा इंसान इंडियाज़ लार्जेस्ट मिस्ट्री बॉक्स वाला जो 25 लाख रुपए वाला था उस पर मैंने अनबॉक्सिंग करा था ना, मतलब वो अनबॉक्स करा था तो उसके ऊपर मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया, तो थोड़ा रिस्पांस अच्छा ही आता, थैंक यू सो मच यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, भगवान करे इसमें भी ऐसे व्यूज़ आए, मैं कोशिश करूँगा। तो क्या है कि ना अगर कोई चैनल मोनेटाइज होने के बाद ना जब वो वीडियो अगर वायरल होती ना 1000-2000 पे कितना, तो मैं इतना वो था करके खोल के देखा तो मतलब इनकम ठीक ठाक ही आई थी, मैंने जैसे 11 रुपये बोला करके बट ठीक था, पर उस टाइम पे नीचे किसी ने कमेंट करा मेल है फीमेल है, फीमेल ही थी शायद करके, भाई तू रिएक्शन छोड़ दे भाई करके से बोल रही, मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया, नो नेगेटिविटी भाई, अगर बेकार होता तो मेरे को इतने सब्सक्राइबर्स ना मिलते, और क्या है कि इतने मतलब व्यूज़ वगैरह भी ठीक ना आते, रेस्पॉन्स इतना बेटर नहीं मिलता और लोगों को लगता नहीं, मैं जब शुरू में बनाया था तो लोग बोल रहे थे मेरा रिएक्शन ओरिजिनल होता, सॉरी इतना तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए और तुम्हें बहुत बोर करके पकाने के लिए, तुम चाहिए तो मेरा नीचे रोस्ट कर देना ठीक है, अच्छे से रोस्ट करके मुझे खा जाना, सॉरी मजाक कर रहा हूँ ठीक है। तो बात करते हैं वीडियो कैसा, वीडियो ना भाई बोलूँ तो बहुत अच्छा है वैसे, बट एक बात बोल रहा हूँ कि पिछले सैटरडे को तो आया ही था, इस सैटरडे संडे को तो वीडियो आया था फुकरा ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान का, तो पिछले बार जो वीडियो आना था नहीं आया करके, तो मैंने बात करा तो फिर हाँ तो मैं बात कर रहा था कि तो क्या है कि मैंने जैसे एक यूट्यूबर का नाम लेता हूँ रिएक्शन भाई आरजी, तो उनका देखा कि फुकरा इंसान ने उनको मैसेज किया, बहुत अच्छी बात है, कमेंट भी किया था ऐसा वैसा, तो मैंने को पता चला कि वो बात करते, तो फिर जाके मैंने डिंपल आंटी के जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसमें देखा, तो पता चला कि मैं जो गेस किया वही हुआ था, तो थोड़ी नानी से रिलेटेड मतलब ट्रिगर्ड इंसान की जो नानी है उनसे रिलेटेड थोड़ा बुरी खबर मिला, तो मेरे को इसलिए लगा इस वजह से नहीं डाला होगा, पर कोई बात नहीं वैसे, पर जैसे ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो आया तो मैंने पता नहीं क्या किया, मुझे याद नहीं है वैसे, तो उस दिन डाला नहीं, फुकरा इंसान का भी आया था मैंने उस पर बनाया, फिर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, थैंक यू सो मच रिस्पांस देने के लिए, पर और ये ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो पे अब मैं रिएक्ट करूँ, और मुझे सच बोलूँ तो वीडियो बहुत अच्छा लगा था सीरियसली, और काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियो था, और मेरे को लग रहा है फुकरा इंसान का भाई नौकरी खाने वाला है, मतलब ट्रिगर्ड वो क्या है फुकरा इंसान भी इसी टाइप के करता ना ट्रेइंग मतलब ट्राइंग वेडेस्ट फूड करके ये वो करके, वो कितने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता था भाई साहब, उसमें भी ऐसे जो कि फूड वगैरह ट्राई कर रहा है ये बनाते हैं वो बनाते करके उस टाइप का हो गया, अब ट्रिगर्ड भाई भी कर रहे हैं, पर इसमें ये एक प्लस पॉइंट अच्छा लगा, इसमें रिएक्शन भी है, रोस्ट भी हो गया और खुद का बहुत मेहनत भी हो गया क्रिएटिविटी करके, खुद ही खाना बना रहा है मतलब, और ट्रिगर्ड भाई खुद ही खाना बना रहा है उसके बाद फिर खुद ही टेस्ट कर रहा है, दूसरों को टेस्ट करा रहा है, और पता नहीं उनका रिएक्शन नहीं देखा तो नीचे कमेंट भी कर रहे थे लोग, मुझे ना ये नहीं पता कि वो जो वो ब्यूटीफुल क्वीन थी यार मतलब वो लड़की जो थी कौन थी, मैनेजर है करके कह रहे हैं, पर वो जो आदमी था ना थोड़ा मतलब जो एकदम हेल्दी टाइप थोड़े मोटे टाइप थे, मैं बॉडी शेमिंग नहीं करता मेरे भाई ठीक है भाई लोग ठीक है, और लड़कियां लोग जितने भी हैं मैं बॉडी शेमिंग नहीं करता, तो आशीष जी वाला आशीष नाम है ना उनका करके, तो वो उनके मैनेजर मेरे को नहीं अच्छा वो तो दूसरे अंकित नाम है ना उनका हाँ करके, तो फिर पता नहीं क्या यार भाई साहब, पर वो लड़की ब्यूटीफुल लगी और उसका भी रिएक्शन बहुत अच्छा लगा था भाई सीरियसली यार एक नंबर भाई साहब, वीडियो मतलब बहुत मजा आता, 11 मिनट का था ठीक ठाक टाइम पे तो है, इतना भी बड़ा वीडियो नहीं था, पर टाइम का देख के पता ही नहीं चला भाई कहाँ चला गया, मेरे को लगा चाय मैगी जो है ना उसको सस्पेंस पे रख के थंबनेल में रखूंगा करके कि चाय मैगी इतना अजीब सा था करके यार, पर वही उसने पहला ही डिश वही बना दिया भाई सीरियसली यार, बस सच बोलूँ तो बहुत अजीब सा लगे थे, पर हाँ वो कौन सा था पेस्ट्री पकौड़ा वो ज़रूर अच्छा था, मेरा भी मन था कभी ट्राई कर सकूं, पर राजू भाई को तो डायबिटीज़ चढ़ गया, डायबिटीज़ ओपन द चैट ब्रो सीरियसली यार, पर सच बोलूँ तो ओवरऑल बोलूँगा वीडियो बहुत अच्छा था, ट्रिगर्ड इंसान का सेफ स्किल्स वगैरह बहुत अच्छा था, मैं सच बोल रहा हूँ ट्रिगर्ड इंसान ना ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला टाइप है, क्योंकि उसको भी चाय बनाना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मतलब मुझे भी नहीं आता उससे भी नहीं आता, पर उसको मैगी आता मुझे भी आता, मम्मी ने अभी कुछ टाइम पहले सिखाया था मुझे भाई सीरियसली, कितना कोइंसिडेंसली मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ इससे करके भाई सीरियसली यार, और मेरे पापा को भी एक चाय कॉफ़ी का थोड़ा ज़्यादा शौक था और मम्मी को रहती है, अगर मैं भी कभी ऐसे वीडियो के चक्कर में मैं बनाऊँ और बाई चांस मम्मी ने वीडियो देख लिया खत्म टाटा बाय बाय गुड
भाई गया राजू भाई सीरियसली मेरे को भी घर से बाहर निकल देगी सीरियसली। मम्मी को चाय का शौक बहुत है भाई सीरियसली। कभी वीडियो के लिए मैंने ट्राई करा वैसे, बट एक बार इस चैनल पे अच्छा ऑडियंस आ जाए फिर मैं भी तुम्हारे लिए जैसे बोलोगे वैसे करूँगा। मेरे को ओवरऑल तो वीडियो बहुत अच्छा लगा। ट्रिगर्ड इंसान के लुक्स वगैरह, उसका जो कुकिंग स्किल्स हो गए और वो ब्यूटीफुल लड़की उसका, और बाकी लोगों का जो खाने के बाद रिएक्शन, वो खाना वगैरह देखने में ज़रूर अच्छा था पर टेस्ट वाइज शायद उतना अच्छा नहीं लगता और मेरा वैसे ही जल्दी पेट भी ख़राब हो जाता है। वो एक चीज़ अच्छा लगा कि इसने मतलब कंटेंट अच्छा बनाया, स्क्रिप्ट अच्छा चूज़ किया है, खुद खाना बनाया, टेस्ट करा, वो भी सब करा, रिएक्शन दिया और बताया क्या है वो सब, लोकेशन वगैरह, जो लोकेशन जो जगह चूज़ करा ना किचन वगैरह, मतलब जो टाइप का जो दिखाया था खाना बनाने के लिए वो बहुत अच्छा था। और एडिटर कौन है भाई इसका, बताओ, खुद एडिट करता है किसी से कराता है? मेरे को नहीं फुकरा इंसान के एडिटर से और ये ट्रिगर्ड इंसान के एडिटर से मिलना भाई, क्या खतरनाक एडिटिंग करते हैं भाई। और ये जो इसका कैमरामैन भी कौन है मुझे वो भी जानना, इतना तगड़ा शूट किया ना, सच बोलूँ मज़ा आ गया। इसलिए ओवरऑल बोलूँगा वेरी एंटरटेनिंग वीडियो, 11 मिनट कहाँ निकले पता नहीं, इसलिए मैंने इस ओरिजिनल वीडियो को लाइक कर दिया। तो उम्मीद है तुम लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? चैनल पर नहीं हो पूरा रिएक्शन वीडियो देखा, अगर तो मेरा रिएक्शन थोड़ा बहुत भी पसंद आया या मेरा ओपिनियन भी थोड़ा बहुत पसंद आया और राजू भाई को भी सपोर्ट करना चाहते हो क्योंकि वो तुम ट्रिगर्ड इंसान के फ़ैन हो, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और एक सीक्रेट बात बताने वाला हूँ, नहीं बताना चाहिए, मैं कभी ट्रिगर्ड इंसान से मिलने वाला हूँ, पता नहीं कब वो जब बुलाएगा। तो मिलते हैं फिर कल फुकरा इंसान का नेटफ्लिक्स वाला वीडियो के साथ, या स्ले पॉइंट का तुम कमेंट करके बताना किस पे वीडियो बनाओ, जो नेटफ्लिक्स का वो फुकरा इंसान के साथ वीडियो होता है सर्वाइवल वाला, या स्ले पॉइंट का वो क्रिकेट ऐड वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर रिएक्शन वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो बता देना। तो मिलते हैं फिर किसी और नए रिएक्शन वीडियो के साथ कल, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।